नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में हमारे। तो आज थोड़ा दुखी हूँ फिर से एक बार क्योंकि जो छोटा भाई था मेरा सत्यम, जैसे कि आजकल मेरे ब्लॉग में आ रहा है वो साथ में, तो वो क्या है गुवाहाटी चला गया था। तो गुवाहाटी से उसका ट्रेन जो है कंफर्म नहीं था, तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम। तो इसके जीजा जी यानी मेरे पति देव जी ने इनको बुला लिया, फिर तो हम भी चल रहे हैं खाना वाना बना के इसको देने के लिए। वो सब रेडी करना है, टिफिन उफिन। अभी देखो इसको क्या कर रहा है। हेलो गाइस, चार गाइस, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना। जी इतना खुशी हो रहा है कि लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मूड नहीं था खाना बनाने के, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका मूड कब होता है खाना बनाने, रोज देर मैं क्या किया, दाल चावल बना के रख दी, दाल को फ्राई कर दी, वही खिला दी इन लोगों को। चावल खाने के बाद तो वैसे नींद बहुत बिकट तरीके से आती है। सब्जी बना दी हूँ, आटा भी रख दी हूँ, इसके लिए रोटी बना रही हूँ, रोटी लेके जाएगा और मैं सब्जी को पैक कर दी हूँ। पति देव जी हमारे किसी से बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो इसको ट्रेन पर सफर करने जा रहा है इसलिए पूरा टेंट वेंट करके निकलना चाहता है। मैं खाना खा रहा हूँ गाइस, खाना खा के मेरी ट्रेन है गाइस, मैं चले जाऊंगा गाइस, आपसे वीडियो में बने रहूंगा गाइस, सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना। दुखी का बात ये है मेरे लिए कि दोनों लोग साथ में ही निकल रहे हैं, पति देव जी सत्यम, कि इनको जाना पड़ रहा है। अभी आएंगे 3-4 घंटा 5 घंटा के बाद, मैं पागल हो जाऊंगी। ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, पति देव जी मेरे बहुत मतलब दोपहर से ही ये इमोशनल हुए हैं थोड़ा। जब तक टेंशन ही है जब तक ये जीवन तब तक टेंशन तो गाइस, खत्म नहीं होने एक वाला। बार मैं फिर से स्टैंड बन गया हूँ हम भी आ और जाते आप लोगों हैं, से रू रू होता हूँ। हाँ जाते जाते सोच रही थी स्टैंड बना देती इनकी बेटी और बढ़ रही है क्या, हाइट लंबी हो रही है, अभी भी बढ़ रहे हैं, छोड़ सीधा कर नाप। तो देखो मैं इनके यहाँ तक सीने तक आती हूँ और ये और ज्यादा ऐसे हो गए हैं, ताकि हम जो ना है नहीं थोड़ा छोटे खड़े हैं जी, नहीं नहीं एकदम अच्छे से खड़े सीधा खड़े हैं जी। अरे राम जी बड़ा हो गया ना लंबे हो गए हो ज्यादा। जा रहा हूँ आज गाइस, इनके चैनल में सब्सक्राइब करना गाइस, और मेरे चैनल को सत्यम पाठक, सत्यम ब्लॉग्स नाम है मेरा चैनल का। बहुत खतरनाक तरीके से वीडियो बनाता है ये समझ लो, इतना तारीफ कर दे रहे हैं कि जाने के बाद आपका रेपुटेशन। पर अब क्या बताऊं, जाने दो, इतनी भी लड़कियां हैं उनको बताना चाहती हूँ जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी शादी होगी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग कभी इंजीनियर लड़के से शादी बिल्कुल भी मत करना, वरना उनका दिमाग इंजनों में ही लगा रहेगा। इंजीनियर साहब जी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि इंजन में क्या ऐसा चीज़ हुआ है जो जो स्टार्ट नहीं हुआ। एक्सपीरियंस में आपको देख रही हूँ भाई, जितने इंजीनियर लोगों को पूरा नहीं मानना, हकीकत है। सब्सक्राइब कर देना इंजीनियर लोग, इंजीनियर लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे पति देव जी भी इंजीनियर ही हैं, तो इसलिए मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि इनका दिमाग इंजनों में ही लगा रहता है इसलिए मैं अपना दुखड़ा बता रही हूँ आप लोगों को। सुबह हंस रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दुखी हूँ मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुखी हूँ कि खुशी हूँ। एक महीने से यहाँ पे हूँ, पहली बार जीजा जी को बेड पे बैठते देखा हूँ इस तरह से, क्योंकि 3 साल में इसी बेड पे बैठे रहता था, उन्हें मौका ही नहीं मिलता था वहां बैठने का, बेचारे कुर्सी पर एक बैठ के महीने काटे पड़ रही थी। देखिए रे रानी हमारी, जेबम डाल दो, जेबम डाल, कुछ इमोशनल पल ये भीगी पल के हो रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं जा रहा हूँ, जाते जाते स्टैंड बन के जा रहा हूँ, जाते जाते ब्लॉगिंग करके जा रहा हूँ, दीदी रोने लग गई गाइस। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये नहीं है कि वो रो रही है, सबसे बड़ी दुख की बात है मुझे रोना नहीं आ रहा बताइए जी जी कल सो गए थे, इमोशनल हो गए जा रहे जा रहे हैं। मैं
निकल रहा है, झोला भूल गया तो सब लिए हो ना, कुछ भूले तो नहीं हो? अब सत्यम तो चला गया मेरा स्टैंड, नहीं तो मोबाइल लेके ऐसे खड़ा रहता था, मैं उसको बुलाता सत्यम मोबाइल पकड़ो वीडियो रिकॉर्ड करो मेरा। चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है सही में, वो रहता था तो कुछ ना कुछ बोलता रहता था और इनको तो घेर घेर के बोलता रहता था। इनको हमेशा घेर घेर के बोलता था, खाना छोड़ के आता था, बोलता था जी 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 पहले मेरा बात सुनो, पहले मेरा बात सुनो। ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो रोना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी, इसी में वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे क्या मेरा डेली ब्लॉग आएगा आपसे, बस बार बार कहूँगी आप लोग मुझे सपोर्ट करो और बहुत सारा प्यार दो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे ऐसे नए ब्लॉग के साथ।